कक्षा 9 एनसीईआरटी गणित प्रश्नावली 1.4 संख्या पद्धति। आज की क्लास में हम इस प्रश्नावली के सवाल करेंगे, ध्यान पूर्वक आपको समझने हैं। पहला सवाल है, उत्तरोत्तर आवर्धन करके संख्या रेखा पर 3.765 को देखिए। उत्तरोत्तर का मतलब होता है आगे से आगे, आवर्धन का मतलब होता है बढ़ा करके। संख्या रेखा पर 3.765 को देखिए, बढ़ा करके मतलब जूम करके। जब हम संख्या रेखा बनाते हैं और संख्या रेखा पर पूर्ण या पूर्णांक संख्या लेते हैं तो हमें ये वाला नंबर संख्या रेखा पर दिखाई नहीं देता, तो हम क्या करेंगे, उसको जूम करेंगे, बढ़ा करके इस नंबर को संख्या रेखा पर दिखाना है आपको, ठीक है। इसके लिए क्या करोगे, सबसे पहले तो आप एक संख्या रेखा बनाओगे, ठीक है। क्या बनाओगे, एक संख्या रेखा बनाओगे और उस पर एक एक सेंटीमीटर का गैप लेते हुए 0 से लगाकर 10 तक के अंक दर्शाओगे, ठीक है। जैसे ये वाली मैंने संख्या रेखा बनाई, अब यहाँ 0 और यहाँ लास्ट में आपको 10 लेना है, ठीक है ना। मतलब 0 के बाद यहाँ 1 सेंटीमीटर गैप है, 1, यहाँ 2, फिर यहाँ 3, फिर यहाँ 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8, फिर 9, और वो कितना हो जाएगा आपके 10 हो जाएगा, ठीक है। अब बेटा इसमें हम देखेंगे कि जो आपका नंबर है 3.765 वो कहाँ आ सकता है। 3 पॉइंट, तो जैसे यहाँ छोटी छोटी लाइनें देखी स्केल पे आपने, देखिए ना ऐसे छोटे छोटे नंबर होते हैं, तो 3.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 आएगा। फिर उसके बाद कितना आता है, 8, 9 और 4 आता है। मतलब ये वाला जो नंबर है वो आपके इन दोनों के बीच में है, यही है ना, इन दोनों के बीच में। तो हमें इन दोनों के बीच में ये वाला नंबर दिखाना है। अब क्या करोगे, इन दोनों नंबरों को लेते हुए आगे एक और संख्या रेखा बनाओगे, ठीक है। क्योंकि ये वाला नंबर इन दोनों के बीच में है, यहाँ केवल 3.7 ही होता तो उसको हम आसानी से देख सकते थे, लेकिन पीछे 6 और 5 भी आ रहा है, इसलिए हम क्या करेंगे, आगे संख्या रेखा बनाएंगे, ठीक है। और 3 और 4 लेंगे, क्या कितना लेंगे, 3 और 4, क्योंकि इन्हीं के बीच में आपके वो वाला नंबर आएगा, ठीक है। तो ये मैंने एक और संख्या रेखा बनाई है, ठीक है। इस संख्या रेखा पर सबसे यहाँ तो लेना है आपको 3 और सबसे लास्ट में लेना है आपको 4। अब देखो 3 पॉइंट कुछ है, तो देखो अगर मैं यहाँ 3 पॉइंट क्या लगा दूँ, 0 हो जाएगा ना, 3.0। अब यहाँ क्या आएगा, फिर इसके बाद आएगा 3.1, फिर आएगा 3.2, फिर आएगा 3.3, फिर 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8 और यह आएगा 3.9, और 3.9 के बाद कितना जाएगा, 4 आ जाएगा। थोड़ा बारीक लिख रहा हूँ तो थोड़ा समझ लेना, 3.9 के बाद 4 ही आएगा, ठीक है ना। अब हम देखते हैं कि ये वाला नंबर इस संख्या रेखा पर कहाँ आ रहा है, 3.76। अब देखो 3.7 कहाँ ये रहा, 3.7, 7 के बाद कितना लाना है, 6 लाना है ना, तो 7 के बाद देखो 0 मतलब 70, फिर 71, 72, 73, तो 3.76 कहाँ आएगा, इन दोनों के बीच में आएगा, 3.7 और 3.8 के बीच में। तो ये दोनों लेंगे और एक नई संख्या रेखा हम बनाएंगे, क्योंकि अभी पूरी तरह से हमें पता नहीं चला है कि ये पीछे 65 भी है, केवल हमें 3.7 की स्थिति पता चली है। इसके लिए हम क्या करेंगे, और संख्या रेखा का निर्माण करेंगे, मतलब एक संख्या रेखा हम और बनाएंगे, जिसमें आगे तो कितना रखोगे, आगे तो रखोगे आप 3.7, यहाँ आगे आगे कितना 3.7, ठीक है, और पीछे पीछे कितना, यहाँ आ जाएगा 3.8, ठीक है ना। अब देखो 3.7 के यहाँ क्या लगा सकते हैं, 0 लगा सकते हैं, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। फिर इसके बाद आओगे तो 3.71, 0 बाद 1 आ जाएगा, फिर यहाँ आओगे तो 3.72, यहाँ आओगे 3.73, यहाँ 3.74, यहाँ 3.75, 3.76, 3.77, 3.78 और 3.79, और 9 के बाद कितना जाएगा, 80 हो जाएगा, 79 के बाद कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। अब देखो ये वाला नंबर कहाँ आ रहा है, 3.6, मतलब 3.76, तो देखो 3.76, उसके बाद आपके पीछे कितना है, 5, तो ये 65 कहाँ आएगा, 765 कहाँ आएगा, 700, यहाँ इन दोनों के बीच में आएगा ना, क्योंकि देखो
यहाँ 6 है तो 0 से 60 फिर 61 62 63 64 43 कितना आ जाएगा 65। इसका मतलब हमें इन दोनों के बीच में आ रहा है ये वाला नंबर। तो हम क्या करेंगे एक और संख्या रेखा बनाएंगे ठीक है, और ये वाला नंबर हमें पता चल जाएगा कि संख्या रेखा पर ये वाला नंबर कहाँ आ रहा है। हम इसको क्या कर रहे हैं जूम कर करके देख रहे हैं, बड़ा कर रहे हैं, जूम करते जा रहे हैं, बड़ा करते जा रहे हैं संख्या रेखा को जूम करके। इसको कोई चीज हमें दिखाई नहीं देती है तो मोबाइल में भी क्या करते हैं फोटो को जूम करते हैं ना, जूम करते हैं तो जूम करके आप ये देख रहे हो। तो ये वाला नंबर इन दोनों बीच में आएगा, मतलब सबसे पहले तो कितना आएगा 3.76 और लास्ट में कितना आएगा आपके 3.78 ठीक है। यहाँ क्या लगा सकते हैं 0 लगा सकते हैं ना। अब इसके बाद कितना आएगा 3.76 0 के बाद 1 3.76 2 3.76 3 3.76 4 3.76 5 3.76 6 3.76 7 3.76 8 और 3.769 ठीक है ना 7 6 9 और ऐसे करते करते आगे 70 71 और कहाँ तक चल जाएगा आपके 78 तक चल जाएगा ठीक है ना। अब बताओ बेटा ये वाला नंबर इसमें कहाँ दिख रहा है, ये देखो ये रहा 3.765 है ना, यहाँ पे ये वाला नंबर इस जगह पे आएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आपको संख्या रेखा पर ये वाला नंबर मतलब उत्तरोत्तर आवर्धन करके संख्या रेखा पर इस प्रकार से नंबर को हम देखते हैं। ये वाली और आगे बढ़ा लेना आप लोग ठीक है ना, ये वाली जो लाइन है वो बड़ी हो जाएगी और आप नंबर लिखते जा सकते हो, या फिर यहाँ 0 लगा लो, 0 कोई दिक्कत नहीं है तो 0 लगते हैं ये वाले नंबर। इसे यहाँ 69 70 71 72 उनसे हमें मतलब नहीं, हमें तो ये वाला नंबर देखना था, ये वाला नंबर यहाँ दिख गया ठीक है। एक और है उतारो इसको, देखो ये दूसरा वाला है 4 दशमलव स्थानों तक संख्या रेखा पर 4.26 के ऊपर बार लग रहा है, इसका मतलब ये आपके 26 बार बार रिपीट हो रहा है, मतलब ये इसका मतलब ये 4.26 26 ऐसे डॉट अनंत 26 26 26 चलता रहेगा ठीक है ना। अब ये कह रहा है कि 4 दशमलव तक, देखो 1 2 3 4 हो गए 4 दशमलव तक, इनको आपको क्या करना है संख्या रेखा पर देखना है जैसा पिछला सवाल किया था सेम वैसा ही ठीक है। तो क्या करेंगे सबसे पहले तो बनाएंगे एक संख्या रेखा और उस पर मान लेंगे 1 1 सेंटीमीटर के गैप में 10 तक ठीक है। ये आपको ध्यान से बनाना है ठीक है, ध्यान से सीखना है बेटा। यहाँ तो लेंगे सबसे पहले 0 और यहाँ लेंगे कितना 10, 1 1 सेंटीमीटर का गैप लेना है आपको। यहाँ 1 आएगा फिर 2 आएगा फिर 3 फिर 4 फिर 5 फिर 6 7 8 9 और वो कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। अब ये वाला नंबर देखो कितना है 4.2, देखो 4.2 आ सकता है यहाँ पे 4 के बाद, देखो ये छोटे छोटे नंबर होते हैं ऐसे पॉइंटों में, स्केल में भी देखा होगा आपने ठीक है ना। तो 4.2 का आएगा 4 और 5 के बीच में आएगा 4.2। तो हमें अगली जो संख्या रेखा बनाएंगे उसमें आगे आगे तो रखेंगे 4 और पीछे पीछे रखेंगे 5, तो ले लो अगली बनाओ संख्या रेखा ठीक है। ये बनाए अगली मैंने संख्या रेखा ठीक है ना। अब संख्या रेखा में सबसे आगे तो लेना है आपको 4 और सबसे पीछे लेना है आपको 5 ठीक है। अब 4 पॉइंट कितना लिखेंगे 0, फिर यहाँ आगे 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9 और फिर 5 पॉइंट कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा ठीक है ना। अब देखो 4.2 के बाद कितना आ रहा है 6 आ रहा है, तो देखो 4.2 है और 2 के बाद 0 लगाते 20 फिर 21 फिर 22 23 24 25 और कितना आ जाएगा 26 आ जाएगा। मतलब ये वाला जो आगे 6 ये वाला वो कहाँ आएगा इन दोनों के बीच में आएगा, 2 के बाद 0 पहले ये वाला नंबर और लास्ट में ये वाला नंबर रखना है। रखो बनाएंगे क्या बनाएंगे संख्या रेखा बनाएंगे ऐसे ठीक है। ये बनाए आपने संख्या रेखा ठीक है बेटा, सबसे आगे तो रखना है 4.2 और सबसे पीछे रखना है 4.3 ठीक है। अब देखो यहाँ
अब इसमें देखो छह लाना है तो यहाँ क्या लगा सकते हो जीरो, फिर यहाँ क्या आएगा 4.21, फिर क्या आएगा 4.21, 4.22, 4.23, 4.24, 4.25, 4.26, 4.27, 4.28, 4.29 और फिर 4. कितना हो गया 30 हो गया, हो गया ना। अब देखो अगला नंबर दो है 26, कहाँ आ रहा है देखो 26, उसके बाद ही आएगा 26 के बाद यहाँ जीरो लगा के 60 हो जाएगा, फिर 61 हो जाएगा, फिर 62 हो जाएगा ना। तो ये वाला जो दो नंबर मतलब आगे 262 वो कहाँ आएगा 4.26 और 4.27 के बीच में। अगली जो संख्या रेखा बनेगी उसमें सबसे पहले 4.26 आएगा और सबसे बाद में 4.27 आएगा। हमें पूरा नंबर देखना है तो इसके लिए जूम करते जा रहे हैं, मतलब संख्या रेखा को क्या करते जा रहे हैं, जूम बड़ी करते जा रहे हैं, यानी कि बड़े से बड़ा करके संख्या रेखा को इसको देखना है। तो देखो सबसे पहले क्या आएगा 4.26 और सबके बाद में क्या आएगा 4.27, यहाँ क्या लगा दो जीरो और यहाँ भी लगा दो जीरो, ठीक है ना। अब देखो यहाँ कितना 4.261, 60 के बाद 61, फिर यहाँ कितना 4.262, 62, 4.263, 63, 4.264, 64 हो गया ना। यहाँ आएगा कितना 4.265 और यहाँ आएगा कितना 4.266, 4.267, 4.268 और 4.269 और फिर 4.200 कितना आ गया 70। अब देखो तीन ही नंबर में ना, अब चौथा नंबर पीछे कितना अच्छा आ रहा है 262, कहाँ है 262, ये रहा 262, 262 के बाद में 6 लाना है पीछे, तो 262 यहाँ जीरो लगाते 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, मतलब ये वाला जो नंबर है वो इन दोनों के क्या आएगा बीच में आएगा, ठीक है ना। 6 मतलब ये वाला 26, इन दोनों के बीच में आएगा, तो सबसे आगे ये लेंगे और सबसे पीछे ये वाला नंबर लेंगे। फिर बनाओ क्या बनाओगे संख्या रेखा, तो और जूम करना पड़ेगा और बड़ा करना पड़ेगा तब जाके आपको वो नंबर दिखाई देगा, ठीक है ना। संख्या रेखा को बड़ा करोगे जूम करेंगे, ठीक है ना, तो वो वाला नंबर आपको दिखाई देगा। सबसे आगे तो क्या लेना है 4.262 और सबसे पीछे कितना लेना है 4.263, यहाँ भी लगा दो जीरो और यहाँ भी लगा दो जीरो, ठीक है। अब देखो इसके बाद एक एक सेंटीमीटर का गैप लेना है 4.2621, इसके बाद 21 आ जाएगा, 21 के बाद 22, 22 के बाद 23, ठीक है ना, 23 के बाद 24, 24 के बाद 25, 24 के बाद 25, 25 के बाद 26, 26 के बाद 27, 27 के बाद 28, है ना, 26, 28, 28 के बाद 26, 29, 29 के बाद कितना आ गया 30 आ गया। अब बताओ ये वाला नंबर कहाँ आया 4.26, ये आया 4.26, यहाँ हो जाएगा आपका आंसर। तो इस प्रकार से संख्या रेखा को जूम कर करके आपको ये वाले नंबर देखने हैं। ये प्रश्नावली यही समाप्त होती है, दो ही सवाल थे, इसमें आप लोगों को अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, उदाहरण के सवाल आप एक बार करके देखें तो आराम से ये वाली चीजें आपको समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो